क्या है एवन की रेफरेंस का फैसला सुनाया जा रहा है उससे मतलब नवाज शरीफ को 10 साल कैद की सजा सुना दी गई है। एवन फील्ड रेफरेंस का फैसला, जज मोहम्मद बशीर ने एहतसाब मरियम नवाज को 7 साल कैद की सजा सुना दी गई है। बहुत बड़ा फैसला आ गया है। एवन फील्ड रेफरेंस के फैसले से मुतालिक आपको अपडेट कर रहे हैं। नवाज शरीफ को 10 साल कैद जबकि मरियम नवाज को 7 साल कैद की सजा सुनाई गई है। अहम फैसला जिसकी नजरें, जिसका इंतजार सबको था, बताया गया है। नवाज शरीफ को 10 साल कैद का फैसला सुनाया गया है, मरियम नवाज को 7 साल कैद की सजा सुनाई गई है। नवाज शरीफ को 10 साल कैद की सजा सुनाई गई है एवन फील्ड अपार्टमेंट केस में, एवन फील्ड रेफरेंस में। दूसरी जानिब उनकी साहिबजादी मरियम नवाज को 7 साल कैद की सजा सुना दी गई है। याद रहे कि अल अजीजिया स्टील मिल्स और इसके अलावा फ्लैगशिप रेफरेंस का केस अभी सुना जा रहा है, कुछ ही दिनों में उसका फैसला आना भी बाकी है, लेकिन लगता है फैसले में ही सजाएं सुना दी गई हैं। नवाज शरीफ साबिक वजीर आजम पाकिस्तान 10 साल के सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 28 जुलाई 2017 के फैसले की तौसीक है। एक मिनट सुने, आप बात सुने, मैं बता रहा हूँ आपको, आप सुने प्लीज, होल्ड ऑन बात पूरी सुन लें। मैं अपनी तमाम प्रोसिक्यूशन टीम को मुबारकबाद पेश करता हूं, अपनी इन्वेस्टिगेशन टीम को मुबारकबाद पेश करता हूं। आज आप सुन लें, सजा बताता हूं, आप सुनेंगे तो बताऊंगा ना भाई, मेरे सुने। मैं नैब की आला क्यादत, तमाम ही आला क्यादत, और यार आप नहीं सुनना चाहते तो आप चले जाएं, मैं बताऊंगा, सजा बताने या बताने लगा हूँ ना, आप होल्ड ऑन करेंगे यार, सफर तो करें, सजा बताने के लिए आया हूँ ना। मैं नैब की तमाम आला क्यादत को मुबारकबाद पेश करता हूँ और बिलखसूस चेयरमैन नैब जनाब जस्टिस जावेद इकबाल, जिनकी बलबला अंगेज की आदत में आज नए प्रोसिक्यूशन ने ना सिर्फ इस केस को कामयाबी के साथ कंक्लूड किया है बल्कि इसमें मुकम्मल और भरपूर कामयाबी हासिल की है। मैं आज आपको ये बताना चाहता हूं कि आज एहतसाब अदालत नंबर 1 के फैसले से ये साबित हो गया है कि ये एवन फील्ड अपार्टमेंट्स लंदन के इंतहाई महंगे इलाके में वाकई हैं। और मैं ये भी आपको बताना चाहता हूं कि आज के फैसले से ये साबित हो गया कि ये असासे, ये एवन फील्ड अपार्टमेंट्स करप्शन मनी से बनाई गई। तरीन खबर हम आपको दे रहे हैं, 8 मिलियन पाउंड का जुर्माना सुनाया गया है। नवाज शरीफ को 10 साल कैद की सजा, मरियम नवाज को 7 साल कैद की सजा, कैप्टन रिटायर्ड सफदर को 1 साल कैद की सजा और मजमूई तौर पर 8 मिलियन पाउंड, 80 लाख पाउंड जुर्माने की सजा भी शामिल है। नैब अदालत ने एवन फील्ड रेफरेंस का फैसला सुना दिया है। फैसले के मुताबिक नवाज शरीफ, साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ को 10 साल कैद की सजा, उनकी साहबजादी मरियम नवाज को 7 साल कैद की, दामाद कैप्टन सफदर को 1 साल कैद की सजा, जबकि नवाज शरीफ को 80 मिलियन पाउंड का जुर्माना भी उन पर आयद किया गया है। एक बार फिर आपको सुनवाते हैं, नया प्रोसिक्यूटर गुफ्तगू कर रहे हैं। साल कैद की सजा सुनाई गई है, इसके साथ साथ 8 मिलियन पाउंड जुर्माने की सजा कोर्ट ने आयद की है। इसके साथ ही साथ अदालत ने तमाम एवन फील्ड अपार्टमेंट्स को फेडरल गवर्नमेंट के हक में जब्ती का आर्डर जारी किया है। इसके साथ मुलजम मरियम नवाज को 7 साल कैद बामशक्कत की सजा सुनाई है और इसके साथ साथ 2 मिलियन पाउंड्स जुर्माने की सजा का हकदार करा दिया गया है। इसके साथ साथ और मरियम नवाज को जो